दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी में समुदाय विशेष के लोगों को रखने पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस मसले को लेकर अलग अलग संगठनों ने सरकार और मंदिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को केसरिया हिंदू वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के मुख्य प्रकोष्ठ के जिला कांगड़ा अध्यक्ष इंजीनियर चंद्रभूषण मिश्रा के नेतृत्व में जिला कांगड़ा कार्यकारिणी का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कांगड़ा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी में कुछ दूसरे समुदाय के कर्मचारी रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दोनों समुदाय विशेष के कर्मचारियों को स्थायी तौर पर मंदिर न्यास ज्वालामुखी से हटाने की मांग उठाई और साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे जन आंदोलन खड़ा करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। आज हमने से एसडीएम कांगड़ा को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ज्वाला जी का जो हुआ है, मुस्लिम बंधु जो रखे हुए थे वहाँ मंदिर में, उनको हटाने के बारे में जो जिलाधीश महोदय ने फैसला लिया है, हमारा अब उनसे अनुरोध है कि जो उनकी सैलरी है, तनख्वाह जाती है, उनको मंदिर कमेटी से ना जाए, वो अलग किसी हेड से जाए। हम उनको ये निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, जहाँ भी उनको एडजस्ट करना है वो करे। इसी माध्यम से, इसी के लिए हमने आज एसएम के माध्यम से ये उपायुक्त महोदय को ये एक ज्ञापन दिया है। दूसरा करके इनको किसी अन्य विभाग में भेजा जाए, क्योंकि हमारे केसरी हिंदू वाहिनी चाहती है कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, वहाँ पे किसी गैर हिंदू जो गैर मत मजहबी हैं उनको अंदर आने की अनुमति ना दी जाए, उन्हें प्रतिबंधित किया जाए और बाहर एक बोर्ड लगाया जाए और जो भी उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में जो भी वहाँ पर पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उनको हटाया जाए, वहाँ संस्कृत में श्लोक लिखे जाए या हिंदी में लिखा जाए। हम केसरी हिंदू वाहिनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी की तरफ से आज हम अभी एसडीएम कांगड़ा श्री अभिषेक वर्मा जी से मिलकर के आ रहे हैं, उनको एक ज्ञापन दिया, एक मांग रखी कि परसों जो समाचार पत्रों के माध्यम से हमने उपायुक्त धर्मशाला जी से जिसे पूछा कि ये जो दो लंगर सेवादार जो रखे गए हैं वे किस आधार पर रखे गए हैं और कब इनकी नियुक्ति हुई है ज्वाला जी मंदिर न्यास में, तो उन्होंने कहा कि उनके हमने ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो धर्मशाला कर दिए हैं, लेकिन उनका जो वेतन है वो ज्वाला जी न्यास मंदिर में ही मिलता रहेगा। तो हमने कहा ये तो फिर ऑन कंपटीशन हुए उनके आदेश, इनकी स्थायी नियुक्ति की जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओबराय की रिपोर्ट। मुझे लगता है ये स्कूल अच्छा रहेगा। अच्छा, ये पावर्ड बाय लीड मतलब एजुकेशन दैट मेक्स यू रेडी फॉर लाइफ। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम विद मी। टीचर्स हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सिखाते हैं। आवर करिकुलम मेक्स लर्निंग इजी एंड सिंपल और हम रेडी फॉर लाइफ। चुनिए वही स्कूल जो बनाए आपके बच्चों को कल के लिए काबिल। फाइंड अ लीड पावर्ड स्कूल नियर यू।